नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के इस स्पेशल एपिसोड में, महा एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे देख के दर्शक सोच रहे होंगे कि कोई राजनीतिक समीक्षा शुरू होने वाली है, पर मैं आज हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, जो एवन टीवी का खास कार्यक्रम है, लोकप्रिय कार्यक्रम है, उसके महा एपिसोड की एक श्रृंखला शुरू करने आया हूँ। और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ मधुमेह रोग पर बात करेंगे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, देश के जाने माने मधुमेह विशेषज्ञ, हार्मोनल डिजीज के विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। 4 साल पहले हमने इस चैनल पर जब हेलो डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया था, तो डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि पहला कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का आप ही ने किया था, इसके शुभारंभ। आज हम इसको एक महा एपिसोड के जरिए, 1 घंटे के महा एपिसोड के जरिए, श्रृंखला के जरिए रिवाइव करने जा रहे हैं। तो पहला एपिसोड आप ही कर रहे हैं, आपका स्वागत है विशेष रूप से। और मधुमेह के बारे में 1 घंटे का एक कार्यक्रम होगा, लेकिन आधा घंटे बाद आप फोन लाइन पर सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइन के नंबर यहाँ नीचे दिए जाएंगे, जिस पर फोन करके आप आधा घंटे बाद 4:30 बजे से डॉक्टर शैलेश लोढ़ा से अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज एक महारोग हो गया है पूरी दुनिया में। 45 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त माना जाता है डायबिटीज से ग्रस्त है, और दिन पर दिन ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसा रोग है जिसका मेरे ख्याल से न तो कोई कीटाणु है, न विषाणु है, न जीवाणु है, न वायरस है, कुछ नहीं है, पर रोग है। और हमने सुना था बचपन में, लोग कहते थे ये काली बिल्ली की तरह है, अंधेरे कमरे में जैसे काली बिल्ली दबोच लेती है, ऐसे डायबिटीज आके दबोच लेती है। क्या कहना है डॉक्टर साहब आपका? जी हाँ, आपने सही फरमाया, डायबिटीज़ आज पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से पसर रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही WHO ने भारत के लिए आंकड़े जो जी बताए हैं, वो और भी भयावह हैं। अब तक हम ये मान के चल रहे थे कि शायद 6.6 करोड़ जी भारतवासी डायबिटीज से ग्रसित हैं, लेकिन नया आंकड़ा चौंकाने वाला है और 8.8 जी अच्छा करोड़ भारतीयों को डायबिटीज है। लगभग 9 करोड़ हो गए जी। और काफ़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ का पता भी नहीं है, लेकिन उनको डायबिटीज़ है जी। तो डायबिटीज़ जो आप उदाहरण दे रहे थे काली बिल्ली का, वो ठीक उसी तरीके से है। डायबिटीज़ ज़्यादातर लक्षण रहित होती है, सुप्तावस्था में रहती है और अचानक ही प्रकट होती है। जैसे किसी सर्जरी के लिए पहले टेस्ट कराए गए, कोई व्यक्ति कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराने के लिए गया, मोतिया के ऑपरेशन के लिए गया और वहाँ पर ब्लड टेस्ट किया गया, कोई ब्लड डोनेट करने गए वहाँ पर ब्लड टेस्ट किया गया, कोई कैंप में गए, इस तरीके से डायबिटीज़ का आमतौर पर निदान होता है जी। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ क्या है, इस पर तो आऊँगा मैं, लेकिन वास्तव में बात मैं यहीं से पकड़ना चाहता हूँ कि कोई भी ऑपरेशन हो, ब्लड टेस्ट करें, डायबिटीज जरूर देते हैं, खून भी दे सकते हैं अगर आपको डायबिटीज हो तो जी। तो ये क्या वजह है? देखिए, डायबिटीज एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर सर्जरी के पहले जैसे हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरीके से डायबिटीज एक ब्लड ग्लूकोज। तो क्या हो जाता है अगर डायबिटीज हो तो फिर ऑपरेशन नहीं करते लोग, रोक देते हैं, क्यों? वो इसलिए आवश्यक है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि अगर किसी की ब्लड शुगर अनियंत्रित है, ज्यादा है, सामान्य जो उसका स्तर है उससे अगर ज्यादा है, तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, एनेस्थीजिया में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाएंगे, सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस, हीलिंग, वो सभी चीज़ें प्रभावित होती है। यहाँ तक कि हमने एक रिसर्च करी थी यहाँ जयपुर में, उसमें ये देखा था कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका हॉस्पिटल का स्टे बढ़ जाता है। एक सेम निमोनिया अगर किसी सामान्य व्यक्ति को है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मान लीजिए वो 7 दिन हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है और डायबिटीज़ है साथ में, तो उसका स्टे 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा होगा जी। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत जी है। जी डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि ब्लीडिंग रुकने में भी दिक्कत होती है डायबिटीज़ कारण। हाँ, डायबिटीज़ में ऑपरेशन किया और ब्लड आ रहा है तो फिर वो रोकना भी, वैसे तो डायबिटीज़ में खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है जी, तो उस तरह के उससे संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्लॉटिंग जी या कार्डियक प्रॉब्लम्स जी, वो ज़्यादा होती हैं जी। लेकिन हीलिंग में ऑपरेशन के घाव भी कहते हैं कि बहुत देर से बढ़ता है जी। हाँ, हीलिंग देरी से होती है, घाव देरी से बढ़ता है। कोई भी चोट भी लग जाए तो कहते हैं कि अगर डायबिटीज है तो पैर काले पड़ जाते हैं जी। हाँ, पैर तो काले जब पड़ते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ प्रभावित हो जाए डायबिटीज की वजह से,
और वहाँ गैंग्रीन हो जाए, हाँ जी, ब्लड का प्रवाह, पांव काटना पड़ता है डायबिटीज है आपको, ऑपरेशन हो गया या चोट लगी स्थिति में पैर काटना पड़ता है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बिल्कुल शुरुआती बात पे हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन शुरुआती बात पे आते हैं, डायबिटीज है क्या और होती है क्यों? देखिए, नॉर्मली हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है जी, ये ऊर्जा ग्लूकोज होती है जी। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल या पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए जी। तो ये ग्लूकोज एक सामान्य मात्रा में जब शरीर में रहता है, तब तक शरीर के हर सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, हर ऑर्गन को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है चलने के लिए, कार्यशील रहने के लिए जी। लेकिन जब ग्लूकोज जरूरत से अधिक हो जाता है तो शरीर के सभी अंगों में जो उनकी कार्यशीलता है वो प्रभावित होती है, उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने से, मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने से उनकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी प्रभावित होती हैं और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसलिए शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हम ना तो कम रखना चाहते हैं ना अधिक रखना चाहते हैं। कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है जी, उसके लिए नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग, मतलब सुबह उठ बिना खाना पिए, बिना चाय पिए, सुबह उठ के सबसे पहले जब चेक किया तो 60 से लेके 99 तक जी, ये नॉर्मल है जी। 100 से लेके 100 के बाद एबनॉर्मल हो जाती है जी, और 100 से 125 तक ये वो ग्रे जोन है कि इसमें बॉर्डरलाइन डायबिटीज कहते हैं जी जी, और 126 का जब स्तर टच करता है और उससे अधिक जब खाली पेट होती है तो खतरनाक हो जाती है, उसको डायबिटीज कहते हैं जी। इसी तरह भोजन के बाद, एक सामान्य व्यक्ति की भोजन के बाद 140 के अंदर अंदर होती है शुगर। भोजन कितनी देर बाद? दो घंटे बाद जी। भोजन के 2 घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद जी जी, 140 के नीचे होनी चाहिए। 140 से 200 तक का जो स्तर है वो बॉर्डरलाइन है जी, और 200 जैसे ही पार करता है, 200 को टच करता है या उससे अधिक होता है तो हम उसे डायबिटीज़ कह देते हैं। लेकिन ये मात्रा एक डायबिटीज़ का ऑलरेडी जो पेशेंट है, जो ट्रीटमेंट ले रहा है, ये मात्रा उसके लिए प्रभावी नहीं है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। जब डायबिटीज़ हो गई तब शुगर की मात्रा किस व्यक्ति को कितनी रखनी है वो हर स्थिति में चिकित्सक अलग अलग निर्धारित करते हैं जी। किसी व्यक्ति के लिए कहेंगे आप 110 फास्टिंग रखिए, किसी को कहेंगे आप 130 फास्टिंग रखिए, तो ऐसे वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, शायद उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसकी एज क्या है जी, और उसकी क्या दूसरे कॉम्प्लिकेशन साथ में है, वो सब देख के निर्धारित की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये होती क्यों है जब वायरस नहीं, कीटाणु नहीं, जीवाणु नहीं, विषाणु नहीं, होती क्यों? जी हाँ, वैसे तो 95% डायबिटीज़ जिसकी हम चर्चा करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि एडल्ट्स में होती है जी। दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि बच्चों में होती है आमतौर पे। वैसे टाइप 1 डायबिटीज़ एडल्ट्स में भी होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे 95% डायबिटीज़ एडल्ट की डायबिटीज़ होती है, जिसे टाइप 2 कहते हैं, और इसमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जीवाणु नहीं होता है जी। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जी, जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाती है या इंसुलिन जो पैनक्रियास से बन रहा है, जो इस ग्लूकोज को नियंत्रित करता है हार्मोन जी, वो इंसुलिन कार्यशील नहीं है। उसकी मात्रा तो मान लीजिए सामान्य है, लेकिन वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्वालिटी उसकी शायद कुछ, इंसुलिन की क्वालिटी भी नॉर्मल होती है, लेकिन जहाँ जाके उसको कार्य करना है वहाँ रुकावट आती है। अच्छा अच्छा, कोई रुकावट है जी, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जी जी। और तो इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन रेजिस्टेंस से ये डायबिटीज एडल्ट्स में होती है। वो ग्लूकोज उससे ज्यादा हो जाता है इंसुलिन की संख्या मात्रा से, इंसुलिन जब कार्यशील नहीं है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है जी जी। जबकि बच्चों में जो डायबिटीज होती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, उसमें जो आप बात कर रहे थे उसमें जीवाणुओं का कुछ हद तक रोल है, उसमें वायरस या बैक्टीरिया कुछ कई बार डायबिटीज को प्रेसिपिटेट या प्रभावित कर सकते हैं जी जी। लेकिन ये जो इंसुलिन है ये अपन बाहर से इंजेक्ट करते हैं डायबिटीज के रोगियों को काफ़ी एक स्टेज के बाद उनका इलाज ये माना जाता है कि जब अंदर से इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो ये बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन, तो ये बनता है कैसे क्या? जी हाँ, शरीर में जो हमारे एकदम सेंटर में पेड़ों के सेंटर में एक डायबिटीज का जो ग्लैंड होता है, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं या अग्नाशय कहते हैं, हाँ, वो स्थित होता है, और इसमें बीटा सेल्स होती हैं जिन, और ये सेल्स इंसुलिन निरंतर बनाती रहती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये इंसुलिन ज़्यादा निकालती हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो इंसुलिन कम निकालती है, जब हमारा शुगर का स्तर नीचे जा रहा होता है तो ये इंसुलिन को बिल्कुल बंद कर देती है, निकालती नहीं है। तो ये जो मैचिंग है खाने के साथ जी, ये इतना ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि एक एक पल पल की
शरीर में ग्लूकोज की खबर बीटा सेल्स को मिलती है और वो उसी हिसाब से इंसुलिन के स्तर को शरीर के अंदर घटाते बढ़ाते हैं, जिससे हमारी शुगर एक सामान्य लेवल पर चलती रहती है जी। और किसी भी वजह से जब पैनक्रियाज, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करके पैनक्रियाज ही निकाल दिया पूरा, पैनक्रियाज में ट्यूमर हो गया, निकाल दिया, तो बीटा सेल्स पूरी खत्म हो गई जी। लेकिन डायबिटीज़ के ज़्यादातर पेशेंट्स का जो बीटा सेल्स क्षय होता है वो एक जेनेटिक प्रोसेस है या कुछ ऐसे अननोन रीजंस हैं जो कि हमें पूरी तरह ज्ञात नहीं है, जिस वजह से वो ये बीटा सेल्स निरंतर क्षय होता रहता है इनका। अच्छा जी। तो शुरुआती वर्षों में डायबिटीज़ में हमें गोलियां दे के काम चल जाता है, लेकिन 15, 20 साल, 25 साल जब हो जाते हैं जी, तो बीटा सेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं जी। ऐसी स्थिति में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है और उस स्थिति में बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। जो बाहर से इंसुलिन बनाते हैं ये क्या केमिकल से बनता है या कैसे? जी हाँ, आजकल पहले तो ये जानवरों से, जानवरों को पैनक्रियाज से निकाला जाता था इंसुलिन। अच्छा जी। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये इंसुलिन बनते हैं जी, और अथाह मात्रा में बनाए जा सकते हैं। इंसुलिन की अब कोई कमी नहीं है दुनिया में, जितना चाहे बना सकते हैं जी जी। और उसमें कितनी मात्रा में देना है डॉक्टर तय करता है, पर्सन टू पर्सन। वो पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि किसको कितनी मात्रा चाहिए, कितनी दफा चाहिए और कब चाहिए, खाने की कितनी देर पहले, बाद में किस तरीके से लेना है, बहुत सारे इसमें बातें लागू होती हैं। डॉक्टर साहब, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसा मैंने सुना है कि आप खाने को कई हिस्सों में डिवाइड कर दो, जैसे कोई लोग चार रोटी सुबह चार रोटी शाम खा रहे हैं तो वो एक साथ चार रोटी ना खा के दो दो रोटी चार बार खाएं तो शायद इससे फर्क पड़ता है कुछ शुगर पे। जो भी हम भोजन जो खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, तो वो चार रोटी जितना बना दो से उसका आधा बनेगा, ऐसा परसेप्शन है लोगों का, मैं नहीं जानता, आप टेक्निकली बताएंगे जी क्या स्थिति है। जब हम ग्लूकोज युक्त भोजन लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स जब लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चपाती जी या बाजरा हो, मक्का हो, किसी भी तरह का जो सीरियल्स हैं या जो अनाज हैं, इन सब में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जी, और ये कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाके ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं और शुगर में बनते हैं जी। तो अगर हम एक साथ ज़्यादा खाएंगे तो नेचुरल है शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और एक साथ ग्लूकोज बहुत अधिक स्तर को बढ़ जाएगा जी। लेकिन अगर हम खाने को बांट के खा रहे हैं, आमतौर पे कई बार हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में लोगों की आदत होती है कि एक बार सुबह अच्छी तरह खाना खा लिया और उसके बाद शाम को वापस अच्छी तरह खाया, दिन भर वो कुछ नहीं खाते हैं, बीच में चाय या बिस्किट या इस तरह की कुछ चीज़ कभी कभार ले लेते हैं, तो ये आदत शरीर के लिए ठीक नहीं है। हमें मुख्यतः तीन भोजन करने चाहिए, सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट जी जल्दी से जल्दी करना चाहिए जी, और उसके बाद दोपहर में एक बजे के आसपास, 12:30 एक बजे या 2 बजे के आसपास दिन का भोजन, और रात्रि भोजन भी जल्दी करना चाहिए जी। देर रात भोजन करने से शुगर का स्तर ज़्यादा बढ़ता है और बहुत सारे दूसरे दुष्प्रभाव होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। तो जल्दी ब्रेकफास्ट, जल्दी डिनर, और ब्रेकफास्ट ठीक से होना चाहिए, दोपहर का खाना मध्यम, रात का खाना सबसे हल्का जी। ये जब इस तरीके से जब रखा मैंने सुना है कि ब्रेकफास्ट लाइक प्रिंस, क्या ऐसा कुछ एक मुहावरा सा है इंग्लिश का, लंच लाइक किंग और वो फकीर की तरह, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड डिनर लाइक अ पॉपर, एक मतलब एक सन्यासी की तरह, गरीब व्यक्ति की तरह, गरीब व्यक्ति की तरह जी, भिखारी की तरह आप डिनर कीजिए और बादशाह की तरह खाना खाइए, लंच ब्रेकफास्ट कीजिए, हाँ ऐसी एक कहावत है। चलिए, डायबिटीज पर बातचीत का और सलाह मशवरे का, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम हेलो डॉक्टर के महा एपिसोड में बात कर रहे हैं डॉक्टर शैलेश टोडा से, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे खाएं, कब खाएं, नाश्ता राजा की तरह करें, खाना आम आदमी की तरह, और फकीर की तरह या गरीब आदमी की तरह डिनर करें। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करें, लंच 1 बजे के आसपास करें और शाम का खाना भी जल्दी खाएं। डॉक्टर साहब, ये जो जैन धर्म है रात्रि भोजन निषेध, ये तो मुझे लगता है कि मधुमेह रोगियों के लिए वास्तव में जरूरी है आपके हिसाब से? जी हाँ बिल्कुल, जो जैन धर्म में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है जी, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ जो मुझे ठीक नहीं लगती वो है कि ब्रेकफास्ट जल्दी करने की इजाज़त नहीं है, धर्म नहीं देता है, वो कोई नौकार सी आती है कुछ होता है वो, जी जी तो जी, वो चीज़ ठीक नहीं है। बाकी और दूध से बहुत सारे जो खाने से संबंधित सिद्धांत हैं वो काफ़ी
ठीक है जी। आजकल तो रात को देर रात दो दो बजे तक पार्टियां चलती हैं, खाने डिनर तो मतलब फैशन भी ये हो गया है कि आधी रात के बाद लोग खाना खाते हैं, तो ये तो सब मतलब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रही है जिसकी वजह से इस तरह की लाइफस्टाइल से आपके शरीर की जो बायो रिदम है जी, जो वो हार्मोन्स की जो नेचुरल रिदम है जी, जी, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है जी, और उससे बहुत सारे रोग पनपते हैं जिसमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर ये प्रमुख हैं। ये देर रात की जो पार्टियां हैं जी हाँ, इनकी देन है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और ये सब काफी जी जी। चलिए हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, बहुत सारी लाइफस्टाइल आजकल इस तरह की हो गई है कि रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे लोग खाना खाते हैं, लेकिन अगर रेगुलर आप ऐसा करते हैं तो डॉक्टर साहब का कहना है कि ये आपके लिए डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब हमने सुना था कि ये लोग कहते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को कि डायबिटीज़ का आटा है बाजार में बिकने लग गया आजकल खूब कि डायबिटीज़ का आटा है, या बहुत सारे आयुर्वेद के लोग बताते हैं बेजड़ की रोटी खाओ जिसको कहते हैं, चना मिला हुआ आटा हो, जौ मिला हुआ आटा हो, या खाने में भूसी थोड़ी सी हो, चोकर हो, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट है डायबिटीज़ के ऊपर, इससे बचती है डायबिटीज़ या क्यों कहा जाता है जी? ये जो चीज़ें अभी आपने गिनाई इन सभी चीज़ों को खाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि इन सभी में फाइबर ज़्यादा होता है जी। जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनकी जो डाइट है वो मेनली नॉन वेज है या प्रोटीन रिच डाइट है, उसमें फाइबर कम होता है जी। तो वो लोग तो खाना खाते समय डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनको फाइबर ऐड करना होता है तो वो अपने पास फाइबर की बॉटल रखते हैं और खाना खाते समय फाइबर ऊपर से छिड़कते हैं। लेकिन जी हमारे लिए ये अच्छी बात है कि भारतीय जो नेचुरल भोजन है उसमें फाइबर की मात्रा आवश्यक मात्रा पहले से मौजूद है जी। तो अगर हम आटे का चोकर ना निकालें, दालों का छिलके सहित खाएं, जिन चीज़ों को छिलके सहित खा सकते हैं, जिन फलों को छिलके सहित या सब्जियों को छिलके सहित खा सकते हैं जी, उनको छिलके सहित ही अगर हम खाएं तो हमें एक सामान्य मात्रा में जो फाइबर चाहिए वो मिल जाता है। और जब खाने में फाइबर अधिक है या नॉर्मल है तो उससे शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है जी। जी तो ये बेजड़ का आटा जिसको खास तौर पे जिसको कहते हैं जौ मिला हुआ चना मिला हुआ आटा, जौ चने के आटे को या मिसी रोटी या बेजड़ की रोटी जो होती है जी जी, उसमें फाइबर ज्यादा होता है जी और उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा कम होता है जी, गेहूं या चावल की मात्रा में कम होता है जी जी, तो इस वजह से वो बेहतर होता है डायबिटीज के लिए। हालांकि ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज़ के पेशेंट सिर्फ यही आटा खाएं, गेहूं नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं, मक्का बाजरा ना खाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य रूप से उनका भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये एक बात है कि शुगर मीठा, मिठाई के बहुत शौकीन है हिंदुस्तान के लोग, राजस्थान में खास तौर पर, तो ऐसा कहा जाता है मीठा मत खाओ डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले लोग भी कहते हैं, और उसमें भी दो बातें आती सामने कि लिक्विड के रूप में मीठा कम लो, वैसे सॉलिड में खा लो, ये एक्सप्लेन करेंगे कुछ क्या वजह है, क्या मीठा खाने से शुगर बढ़ती है और लिक्विड और सॉलिड मीठे में फ़र्क है? जी पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है, कई बार लोग ये पूछते हैं कि मीठा खाने से क्या डायबिटीज़ हो जाएगी, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाएंगे तो मीठा केवल चीनी के रूप में तो खाएगा नहीं कोई, मीठा खाएगा तो उसके साथ घी भी जाएगा, दूध जाएगा या दूसरे जो गरिष्ठ चीज़ें हैं वो भी जाएंगी, तो उससे वजन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है। इस वजह से मीठा इनडायरेक्टली हानिकारक है और डायबिटीज़ में मददगार हो सकता है, लेकिन जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनको मीठा पूर्णतः वर्जित नहीं है जी। जी अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह समझ ले कि मुझे अपनी शुगर कैसे नियंत्रित करनी है तो वो कभी कभार मीठे का आनंद भी ले सकते हैं जी। जी अगर मान लीजिए आपकी शुगर का स्तर एकदम नॉर्मल है, आपकी सुबह की फास्टिंग शुगर 95 आ रही है, 105 आ रही है, खाना खाने के बाद 140-150 तक आ रही है, तो ऐसी अवस्था में आप कभी कभार अगर मीठे का सेवन करते हैं, कोई चीज़ कम मीठी जो है वो ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी का 300 है, 350 है और वो उस स्तर पे अगर मीठा खाएगा तो शुगर 400-500 पहुँच जाएगी। तो ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं, अगर आपकी सामान्य शुगर चल रही है तो आप थोड़ा ले सकते हैं, अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं कि आप उस शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप खा सकते हैं। लेकिन लिक्विड मीठा और सॉलिड मीठे का फर्क? हाँ जी हाँ, लिक्विड क्योंकि वो शरीर में तेजी से अवशोषित होता है जी, और वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है, एब्जॉर्ब जल्दी होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसको पचाने के लिए शरीर को ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता जी, जी, तो वो तेजी से एब्जॉर्ब होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ाता है जी। जी तो इसलिए अगर सॉलिड कोई चीज है तो वो निश्चित रूप से कम तेजी से शुगर बढ़ाएगी। और लिक्विड जूसेज आते हैं बाजार में आजकल,
तो जूस सभी तरह के डायबिटीज में, या ये जो आमतौर ठंडे ठंडे पे आते हैं इनके लिए भी कहते हैं तेजी से डायबिटीज बढ़ती है, हर तरह के कोल्ड ड्रिंक्स या जूस, फलों के जूस भी, हाँ जी ताजे फलों के जूस भी, लोग कहते हैं घर में निकाल के जूस ले लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं हर तरह के जूस डायबिटीज में लगभग वर्जित हैं। छाछ पी सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, वेजिटेबल का जूस पी सकते हैं, लेकिन तरबूज 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 डायरेक्ट खाया जा सकता है जी, पर उसका जूस नहीं बनाया। आम डायरेक्ट थोड़ा सा कभी कभार खा सकते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो हमें एकदम नियंत्रित, मैंने सुना है कि अंगूर तो खा ही नहीं सकता, कहते हैं जहर है अंगूर, नहीं अंगूर, हाँ अंगूर नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना, एक आध केला भी नहीं, नहीं ऐसा है कि वही बात हुई कि अगर आपका शुगर ठीक चल रहा है तो आप कभी कभार खा सकते हैं जी जी, ये सब मतलब इसका कोई एकदम क्लियर कट लक्ष्मण रेखा नहीं है। चीकू, चीकू भी, चीकू केला अंगूर लीची पाइनएप्पल ये ऐसे फल हैं जिनमें शुगर की मात्रा कुछ ज्यादा है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर बढ़ाने की क्षमता उनकी अधिक है जी जी, तो इनको खाएं तो बहुत कम खाएं और या ना खाएं। कौन सा फल खा सकते हैं अच्छे से? पपीता, एप्पल, अमरूद जी, तरबूज जी, खरबूजा, अनार, संतरा जी, अनार मीठी होती पर उससे बढ़ती नहीं शुगर, क्योंकि अनार आप पूरा खा रहे हैं उसका जूस नहीं पी रहे हैं, अच्छा अच्छा जी, तो उससे इतनी नहीं बढ़ती है जी जी। डॉक्टर साहब ये शुगर फ्री आती है बाजार में, पाउच भी आते हैं, टेबलेट भी आती है, चाय में लोग आजकल वो डाल के पीने लगे, बड़े खुश होते हैं लोग कि हमें शुगर नहीं बढ़ेगी, शुगर फ्री ले ली हमने, शुगर फ्री की मिठाई भी आने लगी बाजार में। तो जी हाँ, शुगर कुछ कृत्रिम ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कि जिनका स्वाद शुगर से मिलता जुलता होता है, तो अगर आप वो खाना पकाते समय या कुछ पेय आपने बनाया और उसमें अगर वो चीज़ चीनी की तरह डाल दी तो स्वाद में तो मिठास आ जाएगी लेकिन शरीर को ग्लूकोज के रूप में कैलोरीज नहीं मिलेगी, तो इससे रक्त का ग्लूकोज नहीं बढ़ता है लेकिन आपको स्वाद आ जाता है। तो एक निश्चित मात्रा में या एक कम मात्रा में अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इनका सेवन जरूरत से ज़्यादा करने लगेंगे तो इनके कई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, तो बेहतर ये है कि हम इनका प्रयोग या तो बहुत ही कम करें या ना करें। डॉक्टर साहब कहते हैं चुकंदर खा लेते हैं मीठे के लिए, जैसे गन्ने से चीनी बनती है वैसे चुकंदर से भी चीनी बनती है जी जी, तो चुकंदर भी मीठा तो वो हार्मफुल नहीं होता ऐसा कहते हैं, तो उसको भी नहीं या कम लेना चाहिए जी जी। और आजकल एक पौधा आ गया स्टीविया का, स्टीविया के पत्ते डाल के चाय में लोग मीठा कर लेते हैं, स्टीविया सेफ चीज है, उसका सेवन किया जा सकता है, उसमें शुगर नहीं होती है लेकिन उसके प्रयोग से मिठास आ जाता है, हाँ तो वो ले सकते हैं। आजकल स्टीविया के पाउच भी आ गए हैं जी, उनसे भी लोग शुगर फ्री को रिप्लेस करके स्टीविया के पाउच से काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो नुकसानदायक नहीं है, वो नुकसानदायक जी जी। डॉक्टर साहब अब ये खान पान पे तो आ गए बात पे हम, लेकिन ये क्या डायबिटीज होने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आदमी को, अगर आदमी केयरलेस है और बढ़ती जा रही है चिंता नहीं कर रहा तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर में? या डायबिटीज़ की आज चारों तरफ इतनी चर्चा या इतने जो डायबिटीज़ पे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इतने सक्रिय हैं, उसकी वजह यही है कि डायबिटीज़ से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हुए हैं। डायबिटीज़ से शरीर का हर इम्पॉर्टेंट अंग प्रभावित होता है जी, अगर आँख में डायबिटीज़ का इफेक्ट आ जाता है तो आँख की नज़र कमज़ोर हो सकती है और नज़र जा भी सकती है जी, अगर आँख में ब्लड आ गया तो एकदम नज़र चली जाती है जी। इसी तरह हार्ट में जब डायबिटीज़ का इफेक्ट आता है तो हार्ट अटैक आ सकता है, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ता है। किडनी पर अगर डायबिटीज़ का इफेक्ट आता है तो किडनी रोग हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है और फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है जी जी। तो जितने भी लोगों के बाईपास होते हैं, एंजियोप्लास्टीज होती हैं और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, हाँ जी, इसमें से 40% लोग तो डायबिटीज़ के ही होते हैं। अच्छा अच्छा जी। फिर पैरों में जैसा अपन शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, अगर गैंग्रीन हो जाती है डायबिटीज़ के प्रभाव से, नसें कमज़ोर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है तो पैर कटवाना पड़ता है जी। और पूरे विश्व में एक्सीडेंट के बाद लोगों का जब पैर कटता है तो दूसरी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है जी। किसी का नेचुरल एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर काटना पड़ा, वो एक अलग वजह है जी। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से पैर कटता है तो वो सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है जी। लिवर में भी डायबिटीज़ का प्रभाव होता है, लिवर फेलियर हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। अच्छा, डायबिटीज़ से लिवर भी इफेक्ट होता है जी। और ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, ब्रेन मस्तिष्क में अगर डायबिटीज का इफेक्ट आता है तो स्ट्रोक हो जाता है, लकवे का अटैक आ सकता है। तो मतलब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये स्थितियां सब कितनी भयावह है। और सुनने की क्षमता भी, सुनने की क्षमता डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होती, कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है डायबिटीज का, लेकिन हाँ देखने की क्षमता तो है, कान में भी प्रभाव तो पड़ता है जी जी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन इतने भयावह नजर आते हैं और इतने व्यक्ति का इतना पैसा, समाज का पैसा, सरकार का पैसा इतना व्यय होता है और
खास बात यह कि ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक रोकी जा सकती हैं जी, बढ़िया लाइफस्टाइल द्वारा, डायबिटीज को प्रभावी नियंत्रण द्वारा। डॉक्टर साहब उस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या व्यक्ति का पुरुष संतानोत्पत्ति की क्षमता पुरुष की और स्त्री की दोनों की जी, क्या वो भी डायबिटीज लगातार होने से इफेक्ट होती है? डायबिटीज में पौरुषहीनता आ सकती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम दोनों प्रभावित होते हैं जी, तो इससे पौरुषहीनता आ सकती है। और महिलाओं में डायबिटीज जब बहुत अधिक अनियंत्रित होती है तो ओव्यूलेशन या इनफर्टिलिटी की समस्या भी आ सकती है। चलिए हम लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और डॉक्टर शैलेश टोडा से बात करेंगे डायबिटीज के रोग के पता चलने के बाद कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं।